गीतांजलि जी लखनऊ से गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, लोक व्यवहार में पूर्णतया दैन्य कैसे रहा जाए, ये बुद्धि बहुत विक्षेप करती है। कौन? हाँ, ये बुद्धि तभी तक विक्षेप करेगी जब तक आपकी रहेगी। आप जैसे अपने को स्त्री माने हुए हैं, शरीर माने हुए हैं, और जब तक आप अपनी बुद्धि अपने को स्त्री भाव में, शरीर भाव में लगाए तो विक्षेप ही देती रहेगी। और जब ये बुद्धि श्री कृष्ण चरणों में, प्रियाजू के चरणों में लग जाएगी और आप अपने को प्रियालाल का मानेंगे, प्रियालाल को अपना मानेंगे, उसी दिन हर विपत्ति, हर विक्षेप, हर निंदा, हर अपमान, हर तिरस्कार आपके हृदय में मोद पैदा करेगा, आनंद पैदा करेगा। ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी। कोई किसी की निंदा करे उसे मोद होगा, आनंद होगा? नहीं होगा। वो जलेगा। कौन जलेगा? जिसने इस निंदा के पात्र शरीर को मैं माना है वो जलेगा, और जिसने प्रभु को अपना मान लिया वो आनंदित होगा। ये बुद्धि जब तक प्रभु को नहीं समर्पित होती तभी तक ये विपरीत दशाएं लाती रहती है, विचलित करती रहती है, तभी तक इसमें कुमति रहती है। और जिस दिन ये प्रभु को समर्पित हो जाती है तो ये सुमति हंसिनी हो जाती है, ये प्रभु के गुणगण रूपी मोती को चुगती रहती है, बहुत प्रफुल्लित रहती है। हमारी बुद्धि अभी, सही पूछो तो, प्रभु को समर्पित ना होने के कारण ये ऐसी परिस्थितियां लाती है, ऐसी विचलित होती है। व्यवहार में दैन्यता तभी आ सकती है जब हमारी बुद्धि प्रभु में स्थित होगी। जब प्रभु में स्थित होगी तो सब प्रभु ही हैं, ये दर्शन होगा, और अपने प्रभु के सामने दैन्य नहीं होगा तो अभी फिर उसकी सेवक भाव की पुष्टता कैसे होगी। इसीलिए हमने देखा है महापुरुषों को बहुत दैन्यता, बहुत दैन्यता, क्योंकि जिसको वो देख रहे हैं सामने इष्ट को देख रहे हैं। आप बुद्धि लगानी नहीं, क्योंकि बुद्धि लग चुकी है तो जिधर दृष्टि जाती है उधर दिखाई देता है प्रभु ही प्रभु, जिधर प्रभु वो बहुत प्यार से, बहुत दैन्यता से। अब जिनकी बुद्धि माया में लगी हुई वो कहेंगे कि हम दबने वाले नहीं। वो जो प्राकृतिक दशा में बुद्धि स्थित है वो हमारी बात नहीं समझेगा, हमें उसकी बात समझ में नहीं आएगी। आप प्राकृतिक धरा की बातों को अपनी बुद्धि में बैठा लेंगे तो बात होगी। अच्छा, अपनी दांत से अपनी जबान कट जाती है, आप कहां रिपोर्ट लिखाते हैं? अपने हाथ से अपने चोट लग जाती है, आप किसको रिपोर्ट? बोले वो तो मेरा हाथ है ना, तो ये मेरापन इतने में क्यों रखा? और फैलाओ, और फैलाओ। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार मेरा हो गया। अब अपने हाथ से ऐसे मारा जाए तो क्या होगा? अच्छा, छोटा सा अपना बच्चा आता है ऐसे दाढ़ी पकड़ के और घसीटता है, पापा कह के ऐसे थप्पड़ मारता है तो उसको सुख मिलता है, और दूसरा कोई आके एक बाल में भी हाथ लगा दे तो उसके हृदय में तुम हमारी, वो अपनी शान शौकत समझता है। ये दूसरा भाव ही हमें दैन्य नहीं होने दे रहा। अगर सब में अपने इष्ट का भाव देखने लगे तो दैन्यता आ जाए। उमा जे राम चरण रत, विकत काम मद कोह, निज प्रभु में देखहिं जगत, के ही सन करहिं विरोध, सो अनन्य गति जाके, असमति न टरहिं हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हमारे इष्ट, हमारे प्राणाधार प्रभु सब रूपों में है, जब ये हम देख रहे हैं तो दैन्यता, और जो दैन्य है उसे प्रभु बहुत प्यार करते हैं, हर रूपों में आके प्यार करते हैं। पर इसके लिए हमें चाहिए खूब नाम जप करें, रसिकों का संग करें, धर्म पूर्वक चले, जो भी कर्म बने वो सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए समर्पित करें, तो हमारी बुद्धि भी समर्पित हो जाएगी। जिस दिन बुद्धि समर्पित हुई तो उस दिन पहचान है, सब जगह प्रभु दिखाई देंगे। प्रभु कह रहे मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम् न संशयः। यदि तूने मेरे में बुद्धि समर्पित कर दी, मन समर्पित कर दिया, तो तू मेरे में निवास करेगा। मेरे में निवास का मतलब क्या है? योमाम पश्यति सर्वत्र, सर्वम च मयि पश्यति, तस्याहम् न प्रणश्यामि, सच मे न प्रणश्यति। वो सर्वत्र मुझको देखता है, सबको मेरे में देखता है, मेरे को सब में देखता है। महानंद, दूसरा कोई है ही नहीं तो किसके सामने अभिमान करें?
वही इष्ट, मेरा प्यारा। समझ रही सखी? जब तक ये भाव नहीं आएगा कि सब मेरे इष्ट हैं, तब तक वास्तविक दैन्यता नहीं आएगी। बाहर से दैन्यता का नाटक कर, अगर अंदर से दैन्यता है तो दूसरे के द्वारा किए हुए अपमान में वो समझता है मैं इसी योग्य हूं, मैं इसी, उसे रोना आता है मैं इसी योग्य हूं। प्यारे अब तो कृपा कर दो, देखो सब कह रहे हैं प्यारे अब तो कर, वो मैं कितना पतित हूं, देखो अभी तक तो कोई गवाही नहीं था, प्रमाण हो गया, ये सब लोग कह रहे हैं कि ये पतित है, नीच है। प्रभु आप पतित पावन हो, हे उत्तम श्लोक, हे पुण्य श्लोक, हे अच्युत, अपनी महिमा में आप प्रतिष्ठित हैं और संतों ने आपको कहा है पतित पावन। देखो सब कह रहे हैं नीच है, पतित है, अब मुझे स्वीकार कर लो। वो अंदर से वो वहां नहीं जाएगा कि हे नाथ करुणा करो, इसका नाश हो जाए क्योंकि इसने मुझे कहा है ऐसा, ऐसा नहीं कहेगा वो, ये कहेगा नाथ देखो ये मुझे बोले ना पतित, अब आप पतित पावन बनो। प्रभु आपको पतित पावन जो नाम दिया गया उसे सार्थक करो, मुझे स्वीकार कर। उस ये दैन्यता वो प्रभु की तरफ बहेगा, किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के प्रभाव से प्रभावित होकर संग दोष से युक्त होकर के उसमें विकृति नहीं आएगी, उसकी भावना प्रभु की तरफ बढ़ती चली जाएगी। जिसने प्रभु को अपना मान लिया है, अपने को प्रभु का मान लिया है, फिर कहाँ विकृति। विकृति की गुंजाइश तब होती जब हम अपनी सत्ता मानते हैं, जब माया की सत्ता को सत्य मानकर सुख दुख अच्छा बुरा मान लेते हैं, फिर विकृति आ जाती है।